अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सात दिवसीय महावीर गोल्ड कप के आज चौथे दिन गजब नजारा देखने को मिला। आज कई राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से भी टीमों ने भाग लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए ये भी दिखा दिया कि प्रतिभा बहुत है, जरूरत है तो महावीर गोल्ड कप जैसे आयोजनों की। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और खेल का लुत्फ उठाने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष विनस शर्मा ने ऐसे कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि मेरठ में फुटबॉल को बढ़ावा देने की दिशा में अच्छा प्रयास है ये। आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं विनस शर्मा। मेरा नाम विनस शर्मा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा मेरठ महानगर का अध्यक्ष हूं। आज महावीर इंस्टीट्यूट द्वारा ये फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वास्तव में देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह से हमारा ये कि फुटबॉल धीरे धीरे भारत से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, तो आज कहीं ना कहीं ये इतनी सारी टीमों को देखकर इनके द्वारा आयोजित कर ये लगता है कि ये खेल द्वारा पुनर्जीवित हुआ है। और इस खेल में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी बड़ी उत्सुकता से भाग ले रहे हैं और भारतीय परंपराओं को भी बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं खेल, जैसे कि मोदी जी भी कहते हैं फिट इंडिया, फिट युवा फिट इंडिया, उसे भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहा है। और आप देख रहे होंगे सभी दर्शक हैं, मुख्य अतिथि जो भी आए हुए हैं, इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। और मैं तो आशा करता हूं महावीर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी से कि इसे और भी भव्य रूप दें और इसे आगे तक बढ़ाते रहें, और इसमें जितना भी सहयोग होगा मेरठ की जनता उसमें करेगी। ऐसा है भाई साहब, वास्तव में जागरूकता का अभाव था। जैसे जैसे आज ये जागरूक अभियान चला है, इससे पहले हमें भी एक आध मैच देखने को मिला होगा, फुटबॉल बहुत कम देखे, क्रिकेट में विशेष रुचि थी। तो जैसे इस तरह से रुचि बढ़ेगी तो बाहर मेरठ के अंदर बहुत सारी प्रतिभा हैं जो फुटबॉल में भी अपना नाम ऊंचा करा है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो। तो इस तरह से युवाओं को भी एक प्रेरणा मिलेगी और इस तरह का आयोजन कहीं ना कहीं समाज और इस खेल को प्रोत्साहित करने में बड़ा ही भागीदारी निभाएगा। इस मौके पर पहुंचे रालोद नेता राजेंद्र शर्मा ने धर्मेंद्र भारद्वाज का धन्यवाद करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। कई दिनों से मैं जो देख रहा हूं, समाचार पढ़ रहा हूं, महावीर इंस्टीट्यूट का और धर्मेंद्र जी उनके तमाम साथियों का ये भागीरथी प्रयास है। और खेल जगत में धीरे धीरे लोग निराश होते हैं, मगर खेल से ही नौजवानों में उत्साह बनता है। और जैसे मैं देख रहा हूँ जिस टाइप के नौजवान खेल रहे हैं, ये निश्चित रूप से मेरठ की प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, उन नौजवानों में खेल की रुचि को पैदा करेंगे। इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट और उनके सारे साथियों को, धर्मेंद्र जी के तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, जहाँ हमारा पठन पाठन का काम है, ये खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम उतना ही जरूरी है। शहर में तो इसलिए, शहरों में मैदान रह कहाँ करें, मैदान ही नहीं खेलने के लिए। बच्चों के लिए स्कूलों में मैदान है ना शहर में मैदान, मगर ये अच्छा मैदान है, अच्छे मैदान पर खेल हो रहा है, तो मैं पुनः इनको शुभकामनाएं देता हूँ। महावीर गोल्ड कप में आए सभी विशिष्ट अतिथियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि भविष्य में महावीर गोल्ड कप मेरठ में ही नहीं अपितु देश भर में खेला जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरठ अपने आप में प्राचीन समय से कुछ कर दिखाने के लिए है और मेरठ की इस जमीन पर जो प्रोग्राम शुरू हुआ है ये खेल का और महावीर गोल्ड कप के नाम से, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये भारत वर्ष में अपना स्थान अलग बनाकर रखेगा। महावीर गोल्ड कप के रूप में ये प्रतिवर्ष खेला जाएगा, प्रतिवर्ष। आज अब की बार 16 टीम आई हैं, अगली बार हो सकता है इसकी कई गुना टीमें यहाँ आएंगी, खेलेंगी और भारतवर्ष में एक अपना अलग स्थान बना कर रखेगा ये। मेरठ में जैसे कि फुटबॉल जैसे खेल को अपनी तवज्जो अभी तक नहीं दी जाती थी, अभी लेकिन ये
कल हुआ था, आप क्या ध्यान नहीं, इस तरह के परिणाम निकल जाएंगे, कितने लोगों में जागरूकता बढ़ेगी? इससे जागरूकता भी आएगी खेल के प्रति, जो हमारी नई जनरेशन, हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी। और मैं इसका विशेष रूप से योगदान धर्मेंद्र भारद्वाज जी और हमारी बहन जी मनिका शर्मा जी, जो जिन्होंने इसकी शुरुआत की है सभी के सहयोग से, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस प्रोग्राम को इसी तरीके से प्रतिवर्ष अच्छी तरह से कराते चलें। और उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसी तरीके से होते रहेंगे। हाँ, मैं ये भी बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने कि गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए विशेष रूप से फुटबॉल का, मैं इस बात के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ आगे के लिए, भविष्य के लिए। और मैं मनिका शर्मा जी से और धर्मेंद्र भारद्वाज जी से इस विषय में ज़रूर बात करूँगा कि अगले वर्ष हम इसी प्रकार से लड़कियों के, कन्याओं के लिए भी जो है एक फुटबॉल मैच की शुरुआत करें।